कि आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे मेरे पास में अर्निंग के चांसेस क्या है, कंपनी में हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग की गारंटी क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर नोएडा में आप काम करोगे ना, तो यहाँ पे नोएडा में आप लोग के लिए इतना अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ है। महज 8 घंटे काम करके यहाँ पे 25,000 रुपीज़ कमाने के चांसेस है। वेल, लोग कहेंगे कि आप तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हो, कॉन्टेक्ट नंबर किधर है? देखो, हर एक वीडियोस का डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है। प्रॉपरली हम आपके साथ में गाइडेंस करते हैं, बिल्कुल फ्री जॉब्स होता है, कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस, कोई भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं लगता। बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी सारे जॉब्स इस चैनल पे अपलोडेड होते हैं वो सारे के सारे फ्री होते हैं। मे बी उसका कोई पैसा, कोई भी चार्जेस नहीं लगता, और अच्छा खासा आपके पास में ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं नोएडा लोकेशन में सेटलमेंट होने का। वेल, कोई भी कंपनी अगर 8 घंटे काम करवाती है और उसके बदले में 25,000 रुपीज़ तक अमाउंट्स यहाँ पर सैलरीज़ देती है, तो ज़रूर सी बात है कि यहाँ पर काम क्या लेगी, क्या काम होगा, क्या जॉब्स के डिटेल्स रहेंगे, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। जस्ट बिकॉज ऑल इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, उसके बाद में आप लोग इमीडिएटली कन्वीनियंस कर सकते हैं। याद रखिए, जॉब्स बिल्कुल फ्री रहता है, जॉब्स का कोई चार्जेस नहीं रहता। जो भी लोग सर्चेस करते हैं कि मुझे नोएडा में काम चाहिए, फ्री जॉब नोएडा में चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। दरअसल जो जॉब है बिल्कुल फ्री है, और हालांकि अभी NCR लोकेशन में चल रहा है। प्रॉपरली देखे लोकेशन तो ऑल ओवर NCR राइट नाउ। NCR में जो आते हैं दिल्ली आते हैं, वैसे दिल्ली में वेस्ट दिल्ली भी है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट दिल्ली है, ये चारों दिल्ली, मतलब दिल्ली के चारों जोन में अभी वैकेंसीज़ हैं हमारे पास में। गुड़गांव में भी है, फरीदाबाद में भी है, गाज़ियाबाद में भी है, और नोएडा लोकेशंस में भी है। तो ऑलरेडी यहाँ पे NCR में सभी लोकेशंस में भी हमारे पास में प्रॉपरली हायरिंग्स होने वाला है, जिसमें वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा। एंड वी आर हायरिंग फ्रीलांसर रिक्रूटर। तो देखो, यहाँ पे रिक्रूटर का जो काम होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंशिएशन होता है। इनफैक्ट मे बी इसके लिए सब लोग एलिजिबल नहीं हो सकते, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि एक रिक्रूटर एक अलग होता है, जिसमें रिक्रूटर का काम होता है कि कंपनी में जो लड़के लोग काम करने वाले हैं उसको जॉब पे लगाना। लेकिन फ्रीलांसर रिक्रूटर का काम अलग होता है। फ्रीलांसर रिक्रूटर वो होता है जो कमीशन बेसिस काम करते हैं, जैसे पर कैंडिडेट पे उसको 500 रुपये मिलेगा, 700 रुपये मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा, या 1,000 मिलेगा। तो एक फ्रीलांसर रिक्रूटर के पास में अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। यहाँ पे उसको जैसे लड़के का पेरोलिंग हो जाता है, उसी बेसिस के आधार पे यहाँ पे कंपनी का एक सोर्सिंग फीस जनरेट होता है, तो वो सोर्सिंग फीस कंपनी वाले उसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली बहुत अच्छा खासा आपके लिए ये ऑप्शंस रहेगा कि यहाँ पे सोर्सिंग फीस जो भी है वो आपको एक सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है विदाउट रिक्रूटमेंट नॉलेज कैंडिडेट अप्लाई ना करें, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि इसमें बाउंडेशन होगा, क्योंकि 8 घंटे का महज टोटल 25,000 रुपीज़ तक अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं इसमें बाउंडेशन तो डेफिनेटली से होगा। तो राइट नाउ यहाँ पे फ्रेशर्स जो भी ग्रेजुएशन किए हैं और फ्रेशर्स है जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मे बी डेफिनेटली वो एलिजिबल है। लेकिन 12th पास वालों का क्या है कि 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मे बी अगर आप 12th पास है तो कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके लिए मैंडेटरी है, जो कि होना ही चाहिए। एंड वेल, यहाँ पे PMKVY NGO वेंडर फ्रीलांसर ETC मैन पावर देने के लिए अभी कॉल करें, वल्ली वही कॉल करें जिनके पास मैन पावर हो। बेसिकली ये जो हायरिंग्स चल रहे हैं वल्ली फॉर मैन पावर के लिए चल रहे हैं, तो जिनके पास मैन पावर है वो इनसे कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हैं। रंजीत सर का ये प्रोजेक्ट्स होने वाला है। सो यहाँ पे टोटल अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटीज 25,000 रुपीज़ तक है, बिल्कुल फ्री में जॉब से। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर सोचिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ आखिर मिल क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए यहाँ पे चांसेस है, लेकिन यहाँ पे चांसेस उनको है जिनको पहले से रिक्रूटमेंट का नॉलेज है। ऐसे कोई यहाँ पे मतलब लुटका चला आएगा, सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सब चीज़ देख के ही ज्वाइनिंग होता है। थैंक यू सो मच।